कि मैं ना शायर था ना किसी शायर का भतीजा, ना मैं शायर था ना किसी शायर का भतीजा, और मैं आज जो कुछ आज जो कुछ भी है तू, आज जो कुछ भी है तू, सब कुछ है तेरे ही बकचोदी का नतीजा। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे उन चमकीले चूजों के बारे में जो अंडे से अभी अच्छे से बाहर निकले ही नहीं है, लेकिन बात करते हैं जीने मरने की। तो चलो यार, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का विषय। लड़की नसीब नहीं हो रही हमें, और किस तरह में बैठा था। ये वही बच्चे होते हैं जो आज बिना टट्टी करने के बाद मम्मी को बुलाते हैं धोने के लिए। अल्लाह, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। किसका बच्चा? क्या तू किसका बच्चा? मेरी मम्मी पापा का बच्चा है। मम्मी पापा का बच्चा? मेरा बच्चा, मेरा। ये देखने के बाद ना इसके खुद के मम्मी पापा भी सोचते होंगे कि क्या कांड हो गया हमसे। अब तेरा ब्रेकअप हो गया है, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ यार, पर अब क्या करेगा। मैं वो सब कुछ करूंगा यार जो उसको पसंद नहीं था। किससे ब्रेकअप हो गया बेटा तुम्हारा, डोरेमोन से या निंजा हथौड़ी से? इस उम्र में हमारा पार्ले जी दूध में डूब जाने से हम रोया करते थे, और ये ब्रेकअप के लिए रो रहे हैं। देश बदल लोग तो चूते हैं जो कुंडली मिलाते हैं, बारात लेके जाते हैं। देख रहे हो हमारे देश के बच्चे कितने तरक्की कर रहे हैं, ये देख रहे हैं देश का नाम ऊंचा करेंगे। मतलब अगर लव यू और लव यू टू से शादी हो रही है तो किस करने से बच्चा पैदा होता होगा। जो जो रिसेंटली अपने बॉयफ्रेंड के साथ किस किया हो ना, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप माँ बनने वाले हो। अपने बच्चे के पापा को बता दीजिए ये खुशखबरी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ब्रेकफास्ट में क्या खाया? तुझे अपना बनाने की कसम खाई है। लोग तो बेवकूफ हैं जो ब्रेकफास्ट खाते हैं, उनको तो कसम खाना चाहिए, इससे सीखना चाहिए। ये देखने के बाद ना कैरी भाई का एक मशहूर डायलॉग आता है, मादरचोद थी, मादरचोद है, मादरचोद रहेगी। ये नन्हे मुन्ने बच्चे घर बैठे बैठे लॉकडाउन में आ गए हैं। अगर ज्यादा दिन लॉकडाउन रहा ना तो ये सचमुच में पागल हो जाएंगे। तो मोदी जी से मेरी इतनी ही विनती है कि और ज्यादा देरी ना करके जो आधा अधूरा स्कूल कॉलेज खोले हैं पूरी तरह से खोल लीजिए, क्योंकि अगर ये बच्चे और ज्यादा दिन घर बैठे रहे तो ये जो छोटे छोटे चूतियां पकड़ रहे हैं ना और बड़े बड़े धमाका करने बैठेंगे। तो भाई आज के लिए इतना ही वीडियो, क्योंकि इसके आगे इनको झेलना मेरे बस की बात नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं ऐसे ही नए विषय वस्तु के साथ।